सलमान खान को आज की रात भी जोधपुर सेंट्रल जेल में बैरक नंबर 2 में गुजारनी होगी। कैदी नंबर 106 सलमान खान को कोर्ट से जमानत ही नहीं मिली। उनकी जमानत पर कल फिर से कोर्ट में सुनवाई होगी। जेल में सलमान खान को करीब 30 घंटे होने को आए। सलमान ने इस दौरान जेल में क्या क्या किया, देखिए इस रिपोर्ट में। दर्शकों की जानकारी के लिए बता दें, सलमान खान को जोधपुर की जेल में बंद हुए करीब 30 घंटे हो चुके हैं और वो अपनी जिंदगी जेल की रूटीन के हिसाब से जी रहे हैं। आमतौर पर सुबह 11 बजे तक सोकर उठने वाले सलमान को जोधपुर जेल के नियम के मुताबिक सुबह 6:30 के करीब उठना पड़ा। सुबह 11:30 से 12:30 तक जिम में वर्कआउट करने वाले सलमान खान ने जेल में किसी तरह की कोई कसरत नहीं की। सलमान आमतौर पर दोपहर 1 बजे सुबह का नाश्ता करते हैं। नाश्ते में उबले अंडे और प्रोटीन शेक लेते हैं, लेकिन जेल के नियम के मुताबिक सलमान को सुबह 7 बजे ही नाश्ता परोसा गया। जेल के नाश्ते में सलमान को गुड़ और चना दिया गया और 11 बजे से पहले खाना परोस दिया गया। मुंबई में दोपहर 2 बजे शूटिंग पर रवाना हो जाने वाले सलमान खान को आज 11 बजे के बाद वापस बैरक में भेज दिया गया। अपने रूटीन के मुताबिक सलमान शाम 4 बजे फल और मेवे खाते हैं, लेकिन जेल के नियमों के मुताबिक आज सलमान को शाम 6 बजे रात का खाना परोस दिया गया। रात 12 बजे तक घर लौटने वाले सलमान खान जेल की 4 दीवारी के भीतर हैं। आज की रात भी सलमान जेल में काटेंगे। बता दें कि सलमान को रात को जेल में सोने के लिए कंबल दिया गया था। उन्होंने फर्श पर सोकर अपनी रात गुजारी। सोने के लिए उन्होंने बाहर से बर्म्यूडा और टी शर्ट मंगवाया था, क्योंकि जेल में उनके साइज के कपड़े नहीं थे। आज उनका नाप दिलाकर कैदी वाले कपड़े सिलवाए गए हैं जो उन्हें पहनने के लिए दिए जाएंगे। जेल में मच्छर होने की वजह से उन्होंने शरीर पर ओडोमॉस लगाया है। सलमान ने रात में जेल में मिलने वाला खाना नहीं खाया था। उनके बॉडीगार्ड शेरा जेल में नाश्ता लेकर गए थे, जिसे लौटा दिया गया था। सलमान खान कल जब जेल पहुंचे थे तो उनका मेडिकल कराया गया था। सलमान का ब्लड प्रेशर थोड़ा बढ़ा हुआ था, लेकिन अब वो ठीक हैं और शांत भी, और जल्द से जल्द बेल मिलने का इंतजार कर रहे हैं। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक, सिर्फ एबीपी न्यूज पर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।